दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों ये जो मोबाइल देख रहे हैं आप, ये मेरे एक सब्सक्राइबर का है। इन्होंने मुझे कॉल किया था भाई इस मोबाइल का FRP हम अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने जो है इस मोबाइल का FRP अनलॉक किया है ऑनलाइन। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोबाइल का जो मॉडल नंबर है इसका Moto G5 ऐसी मॉडल नंबर है इस मोबाइल का, और इस मोबाइल का FRP हम अनलॉक करेंगे आज ऑनलाइन इसके UMT डोंगल से। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका UMT डोंगल मैंने इसे ओपन कर लिया है इसके कंप्यूटर में, और QC मेट्रोला वाला जो टूल है, जो मेट्रोला QC वाला टूल है, इसे हमने जो है सिलेक्ट किया था। उसके बाद आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि इसका यहाँ पे जो ADB इनेबल करने का ऑप्शन है, तो यहाँ से ADB इनेबल करना है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूँ कि मोबाइल को ADB इनेबल करने से पहले आपको जो है मोबाइल को फास्ट बूट मोड में आपको लगाना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर ने जो है मोबाइल को फास्ट बूट मोड में लगा रखा है कंप्यूटर में, उसके बाद ADB इनेबल यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन इसका ADB इनेबल नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं बता दूँ इसका ADB इनेबल इसमें अभी नहीं हो रहा और नहीं होगा, क्योंकि इसका एंड्रॉयड वर्जन जो है 7.1.1 है। ठीक है, इसलिए इसका ADB इनेबल नहीं हो रहा, लेकिन अगर कोई ओल्ड वर्जन होता तो ADB इनेबल हो जाता। दोस्तों इसका ADB इनेबल करने के लिए हमने पहले भी एक बताया था आपको कि आप यहाँ पे देखें मेट्रोला FRP रिसेट टूल है, इस टूल के जरिए से ये हमें काम आएगा ये टूल बाद में। दोस्तों मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि ये टूल हमारे काम का है, ADB इनेबल करने में ये माहिर है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस टूल को आपको ओपन करना है, और इसके अंदर में जो पासवर्ड है ये पासवर्ड आपको जो है इसमें दे देना है, और कंप्यूटर में आपको जो है अपने कीबोर्ड में एंटर दबाना है, और उसके बाद आपका मोबाइल जो है फास्ट बूट मोड में लगा रहेगा, और इंटर जैसे दबाएंगे तो ADB इनेबल कर देगा ये। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल रिस्टार्ट हो चुका है और इसका ADB इनेबल हो रहा है, और जैसे मोबाइल कम्प्लीटली इसका ऑन होगा, अब पूरी तरह से जब ऑन हो जाएगा उसके बाद इस टूल के अंदर में यहाँ पे लिखेगा कि अलाउ USB डिबगिंग। ठीक है, तो जब तक अलाउड USB डिबगिंग नहीं लिखेगा तब तक हमें इस टूल को बंद नहीं करना है, इसे क्लोज नहीं करना है। FRP इसका हम रिसेट करेंगे UMT डोंगल से, लेकिन ये टूल जो है हमारे काम का इसलिए है क्योंकि इस टूल के जरिए से हम इस मोबाइल का ADB इनेबल कर रहे हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टूल में अभी यहाँ पे लिखेगा अलाउ USB डिबगिंग। तो दोस्तों जैसे ही अलाउ USB डिबगिंग लिखेगा यहाँ इस टूल के अंदर में, ठीक है, तो आपको जो है इस टूल को क्लोज करना है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलाउ USB डिबगिंग लिख चुका है, और ठीक है उसके बाद आपके मोबाइल के स्क्रीन पर वहाँ पे लिखा हुआ होगा अलाउ USB डिबगिंग, वहाँ पे आप चेक लगा जैसे ओके करेंगे तो FRP रिसेट करेगा, लेकिन ये टूल में FRP रिसेट होगा नहीं, इसलिए इस टूल को हम जो है जैसे अलाउ USB डिबगिंग लिखेगा तो इस टूल को हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद तो इसका ADB इनेबल हो जाएगा, डिवाइस में जब पोर्ट शो कर रहा है, उसके बाद हम क्या करेंगे UMT डोंगल में जो है डायरेक्ट यहाँ पे पोर्ट स्कैन करके यहाँ से रिसेट FRP दे देंगे, और उसके बाद इस मोबाइल का जो FRP यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस ADB इनेबल करने वाला जो टूल है, तो पहले वाले वीडियो में मैंने उसकी लिंक दी थी, और इस वीडियो में भी आपको जो है ये ADB इनेबल करने वाला जो FRP रिसेट टूल है मेट्रोला का, इसकी लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं मोबाइल, आप यहाँ पे देख लें, जो हमने आपको पहले भी दिखाया था कि हमने इसकी FRP करने की कोशिश की, लेकिन बट हुआ नहीं। फिर हमने मन्नान सर को कॉन्टेक्ट किया, तो मन्नान सर ने इस सेट को ऑनलाइन FRP कर दिया, Moto G5S। देख सकते हैं आप Moto G5S का FRP हो चुका है कम्प्लीटली। तो हम मन्नान सर का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी हेल्प की।